हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेक्शन। हम पीसीएस सीरीज में आपके साथ जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनकी डिस्कशन करते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने पीसीएस 2012 के जनरल साइंस के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज की क्लास में जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं। और जैसा कि मैं आपको हर एमसीक्यू क्लास में बोलती हूँ, क्वेश्चन के बाद वीडियो को पॉज करके उसका आंसर खुद करने की ट्राई कीजिए, जिससे आपको पता चले आपकी प्रिपरेशन जो है वो कितनी होगी। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्टेड विजन ऑफ ह्यूमन आई कैन बी अचीव्ड बाय द प्रिस्क्रिप्शन ग्लास व्हिच यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि अगर ह्यूमन आई में कुछ डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है, या उनको दूर का दिखना बंद हो जाता है, पास का दिखना कम हो जाता है, तो उनके जो ये करेक्शन है, ठीक है, वो एक प्रिस्क्राइब क्लासेस जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, वो क्लासेस जो है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है। अब जो फिजिक्स है, ये सारी जो है ये प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है। तो ये करेक्टेड विजन ऑफ ह्यूमन आई कि किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, क्रोमेटिक एब्रिएशन और इज नन ऑफ दीज। द आंसर इज इट्स बी, रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन कैसे, रिफ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, इट्स द डिफ्लेक्ट, यानी कि अगर कोई भी एक लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर मूव कर रही है, पास हो रही है, अगर जिनकी डेंसिटीज जो है वो अलग अलग हो रही है, तो जो लाइट रे है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ह्यूमन आईज भी जो लाइट है वो एयर के थ्रू आती है और दोनों की डेंसिटीज अलग होती हैं, तो वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो उसको करेक्ट करने के लिए ग्लासेस जो डॉक्टर हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं, तो ये बेसिकली रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या है, रिफ्लेक्शन इज बेसिकली कि कोई भी बॉडी जो है लाइट को बाउंस बैक कर रही है, थ्रो बैक कर रही है। बचपन में सारे लेजर लाइट जलाते थे, अगर आप लोगों किसी को याद हो तो, ठीक है, बहुत मजा आता था उसको शीशे पे मारने में। तो वो क्या करती थी, लाइट जो है वो बाउंस बैक करती थी, तो वो बेसिकली क्या है, रिफ्लेक्शन है। क्रोमैटिक एब्रिएशन क्या है, बेसिकली होता है कि लेंस का एक फेलियर है, इज द फेलियर ऑफ लेंस, जिसमें कोई भी बंदा जो है वो सारे कलर्स पे इजिली फोकस नहीं कर पाता है, दैट्स बेसिकली अ डिफेक्ट इन लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूजुअली द आउटसाइड रेयर व्यू मिरर्स ऑफ मोटर व्हीकल्स आर, जो मोटर व्हीकल्स हैं कार, बस, स्कूटर्स, ठीक है, उनके साइड्स पे रेयर व्यू मिरर्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से पीछे आने वाले ट्रैफिक को इजिली देख सकते हैं। तो वो कौन से मिरर्स होते हैं, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर्स, प्लेन मिरर्स और इट्स कनकेव कन्वेक्स मिरर्स। द आंसर इज इट्स बी, कन्वेक्स मिरर्स। अब ये कन्वेक्स मिरर्स क्यों यूज किए जाते हैं, कन्वेक्स मिरर्स की जो प्रॉपर्टी होती है बेसिकली कि वो जो इमेज है उसको अपराइट दिखाती है, यानी कि सीधा दिखाती है। अगर उसमें कनकेव मिरर्स यूज किए जाए तो वो उसकी जो इमेज होती है वो उल्टी बनती है, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर्स इमेज को सीधा दिखाता है, इसलिए जो कन्वेक्स मिरर्स है उसमें यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन इज, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर ड्यू टू, अब कंडक्टर क्या होता है, ठीक है, द ऑब्जेक्ट विच अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है वो किसकी वजह से हो पा रहा है, किसकी वजह से वो पॉसिबल है, ए एम्परेज, बी वॉटेज, सी पोटेंशियल डिफरेंस और इट्स डी नन ऑफ दीज। द आंसर इज इट्स सी, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि क्या हुआ कि दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना है उन दो पॉइंट्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि उनके अंदर जो एनर्जी है वो इजिली ट्रांसफर हो सकती है। अगर दो चीजों में डिफरेंस होता है तभी वो ट्रांसफर हो पाती है, ठीक है, तो दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। एम्परेज बेसिकली क्या है, इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट की जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, कितनी पावर है उसके अंदर, दैट इज एम्परेज। और वॉटेज बेसिकली क्या है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, पूछते हैं ना जैसे कि ये बल्ब कितने वॉट्स का है, ये ट्यूबलाइट कितने वॉट्स की है, ठीक है, तो उसकी पावर जो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ है उसको वॉटेज के नेम से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वैक्सीन आर यूज्ड टू बिल्ड इम्यूनिटी टू डिजीज बाय, जो वैक्सीन है उनको इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए काम आता है। तो आजकल वैसे ही कोरोना के टाइम में वैक्सीन इम्यूनिटी 3-4 महीने से वही सुन रहे हैं, ठीक है, तो ये जो वैक्सीन है इम्यूनिटी बिल्ड करता है किसी डिजीज को लड़ने के लिए। अब सारी जो वर्ल्ड है कोरोना की वैक्सीन ढूंढने में लगी हुई है, तो वो क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, वो क्या करती है ऐसा,
ठीक है, स्टिमुलेट डिजीजेज इन बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, यानी कि जो डिजीज है उसको स्टिमुलेट करने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है जो उसको फाइट कर सके. इंजेक्टिंग एंटीबॉडीज इन ब्लड स्ट्रीम, कि बॉडी के जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें एंटीबॉडीज इंजेक्ट करती है, कि इंजेक्शन के थ्रू से इंजेक्ट करती है ताकि वो एंटीबॉडीज उससे लड़ सके. फर्स्ट पॉइंट में था कि वो प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन सेकेंड पॉइंट में है कि एंटीबॉडीज हम डायरेक्टली इंजेक्ट कर रहे हैं ब्लड स्ट्रीम में. ठीक है, थर्ड इज इन्हांसिंग इम्यूनिटी बाय अ लार्ज डोज ऑफ विटामिन, यानी कि इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है कि उसमें अब बहुत ज़्यादा विटामिन होते हैं वैक्सीन्स में. ठीक है, एनहांसिंग इम्यूनिटी बाय अ लार्ज डोज ऑफ एंजाइम्स, या उसमें एंजाइम्स होते हैं जो इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं. द आंसर इज इट्स ए. ठीक है, जो वैक्सीन्स होते हैं हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है उस स्पेसिफिक डिजीज को लड़ने के लिए. ठीक है, तो सबकी तरह आई ऑल्सो होप कि कोरोना की वैक्सीन जल्दी मिले और सब कुछ बहुत नॉर्मल हो जाए. ठीक है, तब तक अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते रहिए. साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट विच फैक्ट अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी इज इनकरेक्ट. ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इनकरेक्ट पूछी गई है. ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का क्या मेथड है, कि जो करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको लग रही है उनको साइड कर दो, उन पर टिक लगा दो. ठीक है, तो आपके पास रिमेनिंग जो स्टेटमेंट बच जाएगी वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी. ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं. स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर टाइम. बी, स्पीड मस्ट बी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन. वेलोसिटी इज द स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. बोथ वेलोसिटी एंड स्पीड डिपेंड ऑन डिस्टेंस एंड टाइम. ठीक है, अब स्पीड जो है क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर टाइम. यस, स्पीड का फॉर्मूला करते आ रहे हैं बचपन से, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मतलब ये स्टेटमेंट ठीक है. स्पीड मस्ट बी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, स्पीड में कभी डायरेक्शन के बारे में पढ़ा है, दिस इज डाउटफुल, क्वेश्चन मार्क लगा लिया. वेलोसिटी इज स्पीड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, यस. ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी में यही डिफरेंस होता था कि स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती है और वेलोसिटी में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है. वो स्पीड एंड वेलोसिटी डिपेंड ऑन डिस्टेंस एंड टाइम, यस, दोनों डिस्टेंस एंड टाइम में डिपेंड करते हैं. जो हमारी सेकेंड स्टेटमेंट जो डाउटफुल थी, कि जो स्पीड है उसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है कि नहीं होती है, तो मीन्स कि हमारी जो स्टेटमेंट बी है वो इनकरेक्ट है. स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती है, वेलोसिटी में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बायोगैस प्लांट्स यूज फॉर प्रोड्यूसिंग डोमेस्टिक फ्यूल प्रोड्यूसेस डैश गैसेस, गैस या गैसेस विच बर्न या बर्न्स विदाउट गिविंग एनी स्मोक. ठीक है, कि बायोगैस प्लांट में ऐसी कौन सी डोमेस्टिक फ्यूल है, कौन सी ऐसी गैस प्रोड्यूस करती है जिसमें स्मोक एमिट नहीं होता है. ठीक है, वो इथेन है, मीथेन है, ऑक्टेन है, या इट्स नन ऑफ ऑल ऑफ द अबव, इनमें सारी गैसेस हैं. द आंसर इज इट्स बी, मीथेन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सोलर वाटर हीटर कैनॉट बी यूज टू गेट हॉट वाटर ऑन. सोलर वाटर हीटर इको फ्रेंडली होते हैं. ठीक है, जो फ्री की सनलाइट मिल रही है उससे पानी को इजिली गर्म कर सकते हैं. तो ये किस दिन यूज नहीं कर सकते हैं, सनी डे, क्लाउडी डे, हॉट डे या विंडी डे. द आंसर इज इट्स बी, क्लाउडी डे. ऑब्वियसली कि सनी, धूप तो चाहिए उसे चलने के लिए. हॉट डे मतलब कि गर्म है, धूप है उस दिन. विंडी डे हवा चल रही है, लेकिन धूप के बारे में कुछ नहीं बताया गया है. ठीक है, मीन्स कि क्लाउडी डे, अगर बादल हैं तो उस दिन तो ऑब्वियस है उस पर हीट एनर्जी पहुंचेगी ही नहीं. ठीक है, तो जिसकी वजह से वो वाटर हीटर जो है वो वर्क नहीं करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स अ फूड चेन. ठीक है, फूड चेन बेसिकली क्या थी, एक सीरीज है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने नेक्स्ट लेवल के ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने खाने के लिए. ठीक है, दैट वो उस पूरी सीरीज को क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं. तो इनमें से कौन सी करेक्ट जो है वो फूड चेन है. सबसे पहले कि ग्रास, वीट एंड मैंगो. ग्रास, गोट एंड ह्यूमन. गोट, काउ एंड एलिफेंट. ग्रास, फिश एंड गोट. इसमें सबसे करेक्ट फूड चेन कौन सी है, इट्स बी, ग्रास, गोट एंड ह्यूमन. यानी कि ग्रास, गोट जो है वो ग्रास को खाती है, ह्यूमन जो है वो गोट को खाते हैं, यानी कि अपने नेक्स्ट लेवल पे डिपेंडेंट रहते हैं. अब वीट तो ग्रास को नहीं खा सकती है, मैंगो वीट को नहीं खा सकता, तो दिस इज रॉन्ग. एलिफेंट काउ को नहीं खाता है, तो ये भी गलत. गोट फिश को नहीं खाती है, बिकॉज गोट इज अ हर्बीवोर, वो सिर्फ ग्रास ईटिंग एनिमल है, वो सिर्फ घास फूस ही खाता है. ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर है बी, यानी कि गोट ग्रास को खाती है और ह्यूमंस जो है वो गोट को खाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द
द करंट इन दिस सर्किट, ये बताना है कि जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है तब जो सर्किट के अंदर जो करंट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इट डज नॉट चेंज, उतना ही रहता है, इंक्रीज हेविली या वेरियस कंटिन्यूसली, यानी कि कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा हो रहा है. द आंसर इज इट्स सी, इंक्रीजेज हेविली, बहुत ज्यादा हो जाता है उसके अंदर करंट, तभी तो शॉर्ट सर्किट होता है. ठीक है, वो क्योंकि जो वायर है इतना ज्यादा करंट जो है वो फ्लो नहीं कर सकती, ठीक है, वो पास नहीं कर सकती, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग करंटली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग वायर कैरिंग करंट. ठीक है, जैसे एक कोई लॉन्ग वायर है, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे डिस्क्राइब की गई है, कि वो परपेंडिकुलर होंगी वायर से. द फील्ड कंसिस्ट ऑफ वायर्स, स्ट्रेट लाइन्स परपेंडिकुलर टू द वायर, और द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वायर, द कंसिस्ट ऑफ रेडियल लाइन्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वायर, या द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड ऑन द वायर. द आंसर इज इट्स डी. ठीक है, कि जो वायर्स हैं, जो उसके जो सर्कल बन रहे हैं वो वायर के ऊपर कंसेंट्रेटेड होते हैं. इसका डायग्राम कुछ इस टाइप का बनता है. ठीक है, कि जो ये जो कॉन्सेंट्रिक वायर्स हैं, ये बिल्कुल सर्कल्स हैं, ये वायर्स के ऊपर कंसेंट्रेटेड हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर. जो किडनीज हैं ह्यूमन बींग्स में, वो कौन से सिस्टम का पार्ट है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और इट्स लोकोमोशन. द आंसर इज इट्स सी, एक्सक्रीशन. ठीक है, किडनीज जो है वो क्या करती हैं, ब्लड को प्यूरिफाई करती हैं और इसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनको रिमूव कर देती है. ठीक है, तो वो सारा प्रोसेस किसके अंदर आता है, एक्सक्रीशन के अंदर आता है. न्यूट्रिशन बेसिकली क्या होता है, न्यूट्रिशन यानी कि जो हमारी बॉडी को विटामिंस, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, जितने भी बैलेंस डाइट है, ठीक है, वो सब जो हमारी बॉडी को एक स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाने के लिए काम आते हैं, दैट कम्स अंडर न्यूट्रिशन. रेस्पिरेशन क्या होती है, कि ब्रीदिंग, जब हम इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं टू सस्टेन लाइफ, ठीक है, तो वो प्रोसेस किसके अंदर आता है, रेस्पिरेशन के अंदर. और लोकोमोशन है जो हमारी बॉडी में मूवमेंट्स हो रही हैं, हाथ मूव कर रहे हैं, पैर मूव कर रहे हैं, तो दैट कम्स अंडर लोकोमोशन. तो इसका आंसर है कि किडनीज जो है वो किसका पार्ट है, इट्स सी, एक्सक्रीशन का पार्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर. जो जाइलम है प्लांट्स में वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या करता है वो, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड्स या ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. इन चारों में से किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, द जाइलम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. जो वाटर है उसको पूरे प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल. ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के लिए कौन करता है, इट्स फ्लोएम. अमीनो एसिड्स को कौन करता है, ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ही ट्रांसपोर्ट होते हैं. और ऑक्सीजन किसके थ्रू होता है, हीमोग्लोबिन के. जो हीमोग्लोबिन है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि जब वो ब्लड में जो ऑक्सीजन अटैच होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और जो फिर ब्रीदिंग के लिए यूज होती है. ठीक है, तो जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. आजकल क्लास का लास्ट क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट अबाउट द रेडियो फ्रिक्वेंसी. रेडियो फ्रिक्वेंसी में से इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है. सबसे पहले हायर द फ्रिक्वेंसी लोअर विल बी द वेव लेंथ, हायर द फ्रिक्वेंसी हायर विल बी द वेव लेंथ, हायर फ्रिक्वेंसी हायर एम्पलीट्यूड और हायर फ्रिक्वेंसी लोअर एम्पलीट्यूड. द आंसर इज इट्स ए, हायर द फ्रिक्वेंसी लोअर विल बी द वेव लेंथ. ठीक है, इसका मतलब है कि जैसे यहाँ पे ये फ्रिक्वेंसी है, जितनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ही ये जो इनके बीच में डिफरेंस होता है दो फ्रिक्वेंसी के, दैट इज वेव लेंथ. ठीक है, तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही वेवलेंथ जो है वो कम होती जाएगी. अगर किसी में फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है, तो उतनी ही उसकी वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज होती जाएगी. ठीक है, तो आंसर इज हायर द फ्रीक्वेंसी लोअर विल बी द वेवलेंथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए.